अब एग्जाम्पल के तौर पर जिम्मे मान लो एक जगह के वैल्यू ला लेनी है एक मंडी जो मान लो वन क्या देता है ऑक्सीडेशन नंबर वन देता है अगर ऑक्सीडेशन नंबर फोर है ये देता है ठीक है जी और ऑक्सीडेशन नंबर फाइव है देता है इतना करके ये सिक्स है तो सिक्स आ जाएगा ठीक है जी ये सारे रोमन न्यूमरल तो देख रहे हैं कि किस वर्ड में यूज होते हैं ठीक है जी सो अगर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो तो ऑक्सीडेशन नंबर है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट जी लिखनी है वो कहते हैं ये जो रोमन टेबल लिखनी है और नंबर रैप तो ला लेंगे आप ठीक है जी तो जो भी नेमिंग करते हैं सो उसके बाद थर्ड वन है जी नेमिंग ऑफ लिगेंड्स देखो ये लिगेंड्स से सारे तीन तरह के होते हैं सारे को नेगेटिवली चार्ज लिगेंड भी होते हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड भी होते हैं और थर्ड वन न्यूट्रल चार्ज लिगेंड भी होते हैं सो कहते हैं इस नेमिंग को कदा करते हैं ओए हरमन अरे कर दिया आ नाम रहे तो थोड़ा नीचे वापस चलो ये थर्ड नंबर पे इधर जाऊंगा नेमिंग ऑफ लिगेंड्स नेमिंग ऑफ लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो ये जो लिगेंड की नेमिंग कैसे करेंगे तो सबसे पहले मैं तुम्हें दसया कि तीन तरह के लिगेंड होते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं फिर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं फिर न्यूट्रल चार्ज लिगेंड होते हैं तो सबसे पहले नेगेटिवली की गल करेंगे एक नंबर पर नोट कर लो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स ना भाई नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स और देखो जी जेड़ा नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स है जो भी साडे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट होगा वो एंड में की लगूगा देखो फ्रेंड वो एंड में एंड इन ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੇਰ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇਮ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਫ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰੁੱਪ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ क्लोराइडो अगर ब्रोमीन की गल करो ब्रोमीन भी ग्रुप 17 का ही है ब्रोमीन भी ग्रुप 17 की हैलोजन ग्रुप है इसका क्या नाम होगा ब्रोमाइडो ओए ना भाई प्लीज अगे भी नाइट्रो ग्रुप है एनओ टू और नाइट्रो ग्रुप की खासियत होती है अगर एन जरा वा एन बॉन्डिंग करता पाया वा एन कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग करता पाया वा वाला यह नाम होगा नाइट्रिटो एन यदा नाम होगा नाइट्रिटो और ना हाइफन पा के एन क्योंकि जो जरा एन है वह की करता पाया जी कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग करता पाया ठीक है जी नैक्सट देखो जी अगर ये उल्टा करता पे पानी इदा नोट करूंगा मैं नाइट्रिटो इदा करके नोट करूंगा ओ एन ओ और नाल दे एक नेगेटिव चार्ज है जिदा करके देखो जी NO2 नु इधर लिख सकदा मैं जेड़ा मेरा नाइट्रो ग्रुप है ओदे विच O नु मैं खोल के लिख सकदा हां ओपन करके लिख सकदा हां हुण इधर जेड़ा ऑक्सीजन है ये वाला ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग करदा पिया वा हुण इधर नाम की होगा वैसे इधर देख लो नाम बस बना लेना चाहिए वा इधर नाम होगा जी नाइट्रिटो O नाइट्रिटो O नाइट्रिटो और नाल ऑक्सीजन आजूगा जी आइटम का क्योंकि ऑक्सीजन के विच कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग करता पाया ये कहने की क्यों लिया जी ये जो जेड़ा एन है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग करता पाया
उस तो बाद देखो जी नेक्स्ट क्या है भाई प्लीज उस तो बाद है जी सल्फेट जरा सल्फेट है वो टू नेगेटिव चार्ज होता है जी सो यदा नाम क्या है दसो जी मैं सल्फेट की बोला गया सल्फेट ना भाई हरमन सल्फेट उस तो बाद है जी हाइड्रोक्सी ग्रुप है यदा नाम क्या है हाइड्रोक्सो ठीक है जी ठीक बोल रहे जिन्हें बोले हाइड्रोक्सी ग्रुप है नाम आज हाइड्रोक्सो क्योंकि तुम दस एंड लग जाता वा ठीक है जी उस तो बाद अगली डाइडेंट लेवल की गल कर लें डाइडेंट मैं एग्जाम्पल लगा वा इतने डाइडेंट की आप एग्जाम्पल ले लेंगे सो देखो जी जो डाइडेंट चलवा सी ओ नेगेटिव सिंगल बॉन्डिंग सी ओ नेगेटिव ये कड़ा ग्रुप है जी ऑक्सीजन आए हैं इसका नाम बचूगा ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन टू लास्ट हुआ जी ऑक्सीजन टू उस तो बाद है जी सी एच थ्री ओ ओ सी एच थ्री ओ ओ नेगेटिव भाई ये कड़ा दसो मैं सी एच थ्री ओ ओ नेगेटिव तो एक कड़ाई दसो मैं एक बार सी मैं गलत लिख सकता सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव कि दसो तुम्हें एस टी कह रहे हैं नाम आजूगा एसीटेट एसीटेट एसटी कह रहे हैं और ये लास्ट वो लग जाए इस करके जो बोला गया एसी कह उस तो बाद देखो जी नाइट्रो ग्रुप क्या नाइट्रेट एनओ थ्री और ये नेगेटिव चार्ज है एनओ थ्री नेगेटिव चार्ज है ये तुहाडा नाइट्रेट ग्रुप क्या इहदा किहदे बारे नाम आजूगा नाइट्रेट टू इहदा नाम आजूगा नाइट्रेट टू ना भाई इहदा नाम आजूगा जी नाइट्रेट टू जरा नाइट्रेट ग्रुप है नाम आजूगा नाइट्रेट टू देखो जो क्लास से बैठा गया वा इतने आप नोट कर लेंगे आप अगले लेने की कार्बोनेट ग्रुप सीओ थ्री और टू नेगेटिव कार्बोनेट ग्रुप ले लिया जी इहदा नाम आजूगा कार्बोनेट टू कार्बोनेट टू ठीक है जी ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸੀਓ ਸੀਓ ਥ੍ਰੀ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਕਵਿਡ ਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ ਇਹਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੂੰਗਾ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਚਾਰਜ ਲਿਕਵਿਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਚਾਰਜ ਲਿਕਵਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ नंबर दो पाले ले लो ओए
पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। भाई ये पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स है जो तो भी ताड़े कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रेजेंट होंगे ओदे बगैर आई यू एम ला लूंगा आई यू एम ठीक है जी ओदे एंड दे विच की ला लूंगा आई यू एम ठीक है जी ओदे लास्ट पे की ला लूंगा जी आई यू एम ला लूंगा भाई एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं अगर साढ़े कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कितने भी पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स प्रेजेंट है जो तो नेमिंग करेंगे नॉमिनेचर करेंगे उसके लास्ट आई यू एम लग जाएगा। सो कि लग जाएगा वेख लो जी सब तो पहला ही लिया जी नाइट्रो ग्रुप एनओ पॉजिटिव ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स है वो एग्जाम्पल है। सो सब तो पहला ही नाइट्रो ग्रुप लिया जी ये की बन जूगा इधर नाम आएगा जी नाइट्रोसोनियम इधर नाम आएगा नाइट्रोसोनियम 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 का नाम आएगा जी। उस तो बाद गल करेंगे जी NH2 और नाल आ गया जी NH3 और ये भी पॉजिटिव चार्ज है जी और यदा नाम आजूगा जी हाइड्रोजीनियम ग्रुप हाइड्रोजीनियम यदा नाम आएगा जी हाइड्रोजीनियम नाइट्रो ग्रुप आ गया जी NO2 और उसे पॉजिटिव चार्ज है जी और जो नाइट्रो ग्रुप है यह नाम आ जाएगा नाइट्रोनियम नाइट्रोनियम यह मगर भी आई यू एम लग जाएगा जी नाइट्रोनियम अथायरीन डायमीन
फिर नेम है जी फाइल इन टाइप की, उस तो बाद आ गई C6H5N, C6H5N, सो ये आ गई पीरियडी। क्या तेरा बॉय क्या घंटा लगता है, क्या घंटा लगता है चोरी पे ना करें और कार्ड करने के लिए करना नहीं होता पानी पा दिया कई फोन कर हो गया बात हो गया चलो यार नोट करो C6H5N है भाई पिरेडी पिरेडी उस बाद PH3 जी पढ़ा भी टाइटल चैप्टर फॉस्फीन इन बोलते हैं फॉस्फीन फॉस्फीन उस तो बाद आई है जी कार्बन 10 हाइड्रोजन 8 नाइट्रोजन 2 ये होगी डाई पिरिडिल डाई पिरिडिल मैं तो बात नहीं देता देखा डाई पिरिडिल नोट कर लो डाई पिरिडिल ये होता है C10H8N2 इधर जो देखो जी ऑर्डर ऑफ राइटिंग का एलिमेंट्स ये ऑर्डर कड़ा है क्या नहीं करना हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेके करना हम सो ये थोड़ा सा चेंज होगा देखो तुम तो थोड़ा देखा लगता है चीज जो गलत सारे इधर तो नहीं आया परंतु जी इसका नेम लेके चलना हम नेम के भी अमीन होता वा अमीन एल यू होता वा अगर एन की गल करते एन एच थ्री मीन होता जे ओदा फॉर्मूला लिखिए ते एन आउंदा होता पर जे ओदा नेम लिखिए ते नेम नूं ही मीन बोल दिंदे आ मीन बोल दिंदे आ मीन ग्रुप मैं करके पाउणा इक मिनट देखो कौन इथे फोर्थ नंबर पा लियो जी और फोर्थ नंबर हैगा वा ऑर्डर ऑफ राइटिंग दा लिखण ऑर्डर ऑफ राइटिंग दा लिखण ऑर्डर ऑफ राइटिंग दा देखो जी जे गल करते हैं एन दी एन दे अकॉर्डिंग देखते हैं
फिर तो साडा ग्रोमिन ही फर्स्ट आऊगा क्योंकि अल्फाबेटिकली ग्रोमिन ही पहले नंबर पे होगा। बट इधर नाम के वजह से नाम का मीन होता है, इनको बोलते हैं मीन ग्रुप। ए भाई आ रही है यस, फिर इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस हम दो, फर्स्ट प्रेफरेंस हम दोगे कितना होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस दे दूं सेकंड को दोगे और थर्ड यू दो, और इधर रोड कर सकते हैं जीरो ब्रोमीन सॉरी NH3 फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसके बाद ब्रोमीन को सेकंड और उसके बाद फ्लोराइड को थर्ड प्रेफरेंस। ठीक है जी, 14 रोड कर लो जी, इधर करो तुम्हारी मर्जी है। क्लियर है कि हम जी नेक्स्ट चीज कर सके नवी चीज सीखनी है एक, सो वेखो कि Yes.
और एक ही जरूर नोट कर लो, डाई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट आप नेमिंग कर लियो, वक्री वीडियो है जी, आई कब पता लगा।